तो स्टूडेंट्स जो है आज के इस वीडियो में कुछ खास है। नीट एग्जाम में जेई में भी ऐसा है, नीट में बहुत ज्यादा है, 45 सवाल में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का है। तो और मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अगर वेटेज की बात करें सर की जो है कि कौन ज्यादा कठिन है कौन ज्यादा आसान है, तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल से जो है पूरी दुनिया जानती है। तो इस लिस्ट में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सबसे आसान तरीका है मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट लेने का, तो मैं इस तरफ भी जो है एक रास्ता छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग इसको देखें और करने का प्रयास करें। तो यह अब जो आने वाले कुछ वीडियोज हैं वो मॉडर्न फिजिक्स पे ही जो है रिलेटेड रहेंगे। आप इनको देखें, ये सवाल है, इनको एक बार पढ़ लें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या जो कुछ भी कर लें और इनको सॉल्व करें, यानी कि हमारे जो है सोल्यूशन देने से पहले आप इसको एक बार जो है सॉल्व करने की कोशिश करें जरूर से, बाद में आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ये आपने देख लिया। सो स्टूडेंट जो है इसका सोल्यूशन जरा देखें। सवाल कह रहे थे What will be the number of photons emitted per second by a 10 watt sodium lamp assuming 90% energy is converted into light? Sodium lamp की sodium wavelength जो रखी गई 590 nanometer या Planck constant की value, कितने per second जो है photon निकलेंगे? तो मैं जरा यहाँ पे देखूँ कि एक photon की energy है क्या, कैसे निकालेंगे? E बराबर h nu या sc by lambda solve करने पे value इतनी आ गई। अब जरा देखा जाए साहब कि actual में वो energy निकाल कितना रहा है, कहेंगे actual में वो energy निकाल रहा है, टोटल एनर्जी तो निकालना है 10 वाट, 10 वाट का मतलब हो गया 10 जूल पर सेकेंड, लेकिन इसका 90% ही सिर्फ जो है कन्वर्ट हो रहा है लाइट में, तो इसका जो है एक्चुअल जो वाटेज निकला दैट इज 9 वाट। तो n टाइम्स एनर्जी ऑफ फोटॉन बराबर हो जाएगा e डैश एक्चुअल एनर्जी जो निकली पर सेकेंड, और बराबर जब सॉल्व करने पर आएगा तो n की वैल्यू यह हो जाएगी 0.267 × 10^20। कहने का मतलब ये कि जो है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये आप नोट कर चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको जो है एक अलग से बात को लिख के दिखा दूं कि ये जो n SC/λ बराबर x% ऑफ e, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कितना परसेंट, 90% ऑफ एनर्जी है तो ये n हो गया। यहाँ पे एक बात ये बतानी थी कि n बराबर x% इंटू लैमडा अपॉन SC, n प्रोपोर्शनल टू लैमडा, यानी कि लैमडा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स भी जो है वो बढ़ते जाएंगे, ध्यान रहे। यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से बात आ जाएगी, ये n हो गया, ये लैमडा हो गया और ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यही अगर फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करोगे तो ये NH nu बराबर x% ऑफ e हो जाएगा, और n बराबर x% e अपॉन H nu, और n का रिलेशन nu के साथ में इनवर्स हो जाएगा, और जब यहाँ पे ग्राफ पूछा जाएगा तो ये x हुआ, y हुआ, ये n हुआ, ये nu हुआ, और ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ध्यान रहे इस बात का। तो ये बात हो गई हमारे पास पहले सवाल की। दूसरे सवाल पे आ रही है, आई कैन डिटेक्ट 5×10^4 फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ईयर जो है ह्यूमन ईयर कैन हियर इंटेंसिटी अप टू 10^-13 वाट पर मीटर स्क्वायर एज ए पावर डिटेक्टर विच इज मोर सेंसिटिव। ये ऑप्शन दे रखे गए हैं, ये एस का मतलब यहाँ पे सेंसिटिव है, और सेंसिटिविटी क्या होगी, कहेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब डिटेक्टेड पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया है यहाँ पे वैल्यू आगे क्या, 5×10^4 XC/λ, और जो ईयर की जो आपकी है दे रखा गया है एज ईयर, ये है ऐसा सॉल्व करने पे आ रहा है क्या, आई की सेंसिटिविटी जो है 5 टाइम्स है दैट ऑफ द ईयर। फर्दर कुछ नए सवाल पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEW का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर सिल्वर इज लैम्डा नॉट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सिल्वर इजी का सिल्वर बाई एन इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा जीरो का मतलब हो गया इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, विल बी। तो कह रहे थे आप जो है कि जो एनर्जी घिरी है वो हो गया क्या SC/λ, आने वाली एनर्जी जो हो गई SC/λ,
इसका दो पार्ट में खर्चा हो गया, एक ई के हो गया और एक आपका हो गया क्या फाइ। लैम्डा जीरो आपका जो है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है, तो ये हो गया क्या फाइ एस सी बाई लैम्डा जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई के बराबर हो जाएगा, ई के का मतलब एनर्जी हो गया, ये एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा जीरो। तो E के बराबर हो जाएगा एस सी कॉमन वन अपॉन लैमडा माइनस वन अपॉन लैमडा जीरो, देख सकते हैं वन अपॉन लैमडा माइनस वन अपॉन लैमडा जीरो, और E के बराबर ही हो जाएगा एस सी और लैमडा लैमडा जीरो, और यहाँ पे लैमडा जीरो माइनस लैमडा। आंसर करेक्ट आपका हो गया क्या फोर्थ, यानी कि एनर्जी जो गिरी है दैट इज एच सी बाई लैमडा। उसका दो हिस्सों में खर्चा, एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी कि वर्क फंक्शन की आवश्यकता है, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देना कि ये पहुंच सके सामने वाली प्लेट तक के, इसी को तो नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी में तो नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन साहब को। अगले सवाल पे आ रहिए, ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पीई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द कट ऑफ वोल्टेज एंड द सैचुरेशन करंट आर 0.6 वोल्ट एंड 18 मिली एम्पियर। आगे की बात, दोनों के बीच की डिस्टेंस है पॉइंट कितना 0.2 मीटर। नाउ इफ डिस्टेंस बिकम 0.6 मीटर अवे देन, ऑप्शंस है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.2 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट, करंट विल बिकम 6 मिली एम्पियर, करंट विल बिकम 18 मिली एम्पियर। ये सारे हमारे सवाल हो गए, ये सारे ऑप्शन हो गए। अब सवाल क्या होगा, कहीं यहाँ पे बात समझ ली जाए कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड कीप इट इन माइंड कट ऑफ पोटेंशियल के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है डिस्टेंस के बदलने से। मैंने अपने वीडियोज में भी ये बात बताई हुई है, जरा इसको जो है बच्चा है जो है ध्यान से देख लें। तो कहा जाएगा था कि जो नई करंट होगी वो क्या हो जाएगी, कहेंगे I डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D डैश स्क्वायर। तो ये I अपॉन I डैश बराबर D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, I अपॉन I डैश बराबर D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। पहले वाली करंट थी 18 मिली एम्पियर I डैश, और ये D की वैल्यू थी 0.2, नई डिस्टेंस 0.6 है, 0.6 0.2 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और I डैश बराबर हो गया 18/9 यानी कि ये हो गया 2 मिली एम्पियर, और 2 मिली एम्पियर जैसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि ये फॉलो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगले सवाल पे लाएंगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो खत्म हो जाता है। फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, इफ वेवलेंथ बिकम्स 2 लैम्डा नॉट देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, पूछा गया है सवाल नया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा। EV0 बराबर SC बाई लैम्डा माइनस फाई कर लीजिए। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दे रखा था V0, और ये हो गया SC बाई लैम्डा 0। इसको मैंने कहा EV डैश कर लीजिए, SC अपॉन 2 लैम्डा 0 माइनस फाई कर लीजिए। तो ये हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, ये मैंने दो बार लगा दी, यहाँ पे लैम्डा जो है 2 लैम्डा 0 हो गया, माइनस माइनस और प्लस कर दिया तो ये कट गया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये ई वी जीरो माइनस वी डैश और एस सी बाई लैमडा जीरो माइनस एस सी बाई 2 लैमडा 0 अगर किया जाएगा तो ये एस सी अपॉन 2 लैमडा 0 आ जाएगा। हमसे पूछा गया था वैल्यू किसका, वैल्यू पूछा गया था वी डैश का, तो V0 माइनस V डैश बराबर आ गया SC अपॉन 2 E लैम्डा नॉट। V डैश पूछा गया है तो V डैश बराबर तो V0 माइनस SC अपॉन 2 E लैम्डा नॉट, V0 माइनस SC अपॉन 2 E लैम्डा नॉट। दिस इज द न्यू कट ऑफ पोटेंशियल मोनोफिजिक्स से रिलेटेड, हमारे काम जो है यहाँ पे चलते रहेंगे, बीच बीच में और वीडियो आते रहेंगे, मिक्स वीडियो भी आते रहेंगे, लेकिन मोनोफिजिक्स को जो है पकड़ करके चलिए।
फिजिक्स आपकी अगर कमजोर भी है तो ये आपका सबसे आसान रास्ता है आपको निकाल ले जाने के लिए फिजिक्स का पेपर, और नीट में भी आपको सफलता दिलाने के लिए जेई में भी ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। ख्याल रखें और इन सारे वीडियोस का अपना फायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।